अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सऊदी अरब में। हमें आपको एक किचन का और उसके साथ दो बाथरूमों का और उसके साथ वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने वाली जगह है उसका तरतीब बता देता हूँ। ये जो बड़ा खुदाई हमने की है, यानी जो तोड़ किया हुआ है, इसमें 1.5 इंच का पाइप आएगा PVC, उस जाली से ठीक हो गया। और ये जो PPR है, यानी आज का वीडियो ये PPR और PVC का थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। PPR आप दो वाशरूमों का और इसका देखते किचन का। अच्छा, तो ये हमने टूटिया चूड़ी दो, बाद में मसाला लगाएंगे इसको लेवल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, ये दो टूटी है, यानी दो वॉशिंग मशीन यहाँ पे होंगे। ये इसका जो है ना 1 इंची का हमने लगाया वाल, और ऊपर से हमने लगाया इसका 1 इंची का पाइप, और नीचे हमने लगाया रिड्यूसर सर्किट, यानी नकाच जिसको बोलता है, और उसके बाद 1.25 इंच पाइप तला तार भाई बोलता है। अच्छा, ये पाइप हम इधर से लेकर आए, और ये जो पाइप है ये तो सीधा ऊपर गीज़र पे लेकर गया, इसका भी सीटिंग होना है। तो ये जो नीचे हमने पाइप उतारे, ये हमने किचन के लिए उतारे, क्योंकि इधर का गीज़र और किचन का गीज़र जो है ना, यानी किचन जो है ना इससे चलेगा, वॉशिंग मशीन से चलेगा। तो पाइप मैंने बाहर निकाले, और ये हमने गर्म ठंडा होगा पॉइंट छोड़ा, और वो वॉशिंग मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन भी रखा जा सकता है छोटा सा, लेकिन वॉशिंग मशीन का जगह अंदर है, तो यहाँ पे लगता है कपड़े धोने वाला। सॉरी, तो ये किचन आप देख सकते हो, ये गर्म ठंडा पानी, और ये जो ऊपर पॉइंट है यहाँ पे जो है ना, फिर बर्तन धोने वाला जो मशीन ऑटोमेटिक रखा जाता है, ये उसके लिए हम पॉइंट छोड़ते हैं। पारा छोड़ना चाहिए, बाद में बंदा वो रखे या ना रखे, लेकिन आपको तकलीफ़ ना हो। हाल भी हो सकता है इसको डबल जो है ना मुस्लिम शावर बंदा लगा लेते, डबल टीका भी लगा लेते। अच्छा, तो ये यहाँ पे बेसन है, ये पहला पॉइंट, ये बेसन हो गया हमारा, ये मुस्लिम शावर हो गया, ये टेंकी पॉइंट हो गया, और ये इसका इंग्लिश का मोड हो गया, ठीक हो गया। और ये इसका वाल और 1 इंची, और ये इसका शावर। ये आज हमने मुकम्मल किया ये काम, तो मैंने कहा अपने भाइयों से शेयर करूँ। ये गीज़र हो गया, ये दूसरा में जो है ना, दूसरा आप देख ले, ये बाहर दो बेसन है, एक बेसन ये हो गया और एक बेसन ये हो गया। तो इसी तरीके से अंदर ये इंडियन का मोड है और वो इंग्लिश का मोड है। यहाँ पे दो हमारे पास जो है ना सीट है, तो इंडियन का मोड के लिए जो है ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है ना सऊदी में ज़्यादातर लोग जो फ्लश टैंकी लगाते हैं वो सर से ऊपर लगाते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो जहाँ पे 30 इंची वो लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने भी यही सिस्टम बनवाया, उसने कहा यार हमें यहाँ पे लगा कर दो नीचे। तो ये देख नीचे उसका टेंकी पॉइंट, ये मुस्लिम शावर हमने छोड़ा ठंडा, और ये गर्म मुस्लिम शावर, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक के लिए सीधे हाथ पे आएगा और एक के लिए उल्टे हाथ पे आएगा। और ये आप देख सकते हो, फिर ऊपर इसका गीज़र हो गया, और इसके बाद ये आप देख सकते हो ख़तरा ऐसी, यानी 1 इंची और वाल, उसके बाद वो टेंकी पॉइंट है, ये इंग्लिश का मोड का, ठीक हो गया, वो टेंकी पॉइंट है, और ये मुस्लिम शावर। यहाँ पे इस तरह आकर मैंने यहाँ पे शावर लगाया, तो ये एरिया उससे बच गई है काफ़ी। और अभी मैं आपको चल कर बता देता हूँ कि तकसीर हमारा कुछ हुआ है, तो आप तकसीर भी देख ले इसी बहाने। ताकि कुछ ना कुछ आपको जो है ना समझ आ सके। अच्छा, ये जो है ना खादमा का जो नौकरानी होगी वो उसका रूम है, ठीक हो गया। तो ये इसके लिए इंग्लिश का मोड है सिंपल, और ये सफाया है, यहाँ पे बेसन भी होगा, और इसके साथ यहाँ पे गीज़र, और यहाँ पे ख़तरा ऐसी, यानी 1 इंची का मेन पाइप लाइन, और यहाँ पे शावर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि नौकर भी तो कोई मेहरबान होता नहीं है। और ये देख अभी बड़ा वाशरूम है, तो ये इंडियन का मोड, वो इंग्लिश का मोड, और ये उसका पूरा सेटअप। अच्छा, ये इंडियन का मोड की लिए जो है ना यहाँ पे उसने जरी ऊपर तक लेकर गया, जिस तरह की मैं आप बता रहा था कि इधर फ्लश टैंकी ऊपर लगना है, तो लोग ऊपर लगाते हैं सऊदी अरब में, कई लोग जो है ना नीचे लगाते हैं, तो इस हमाम में अभी ऊपर लगाया, तो ऊपर इतना होता है, और जो नीचे होता है वो 5 ब्लॉक में हमने अभी आपको दिखाया। तो ये इसी तरीके से ठीक हो गया ये शावर, तो इसी तरीके से इसका काम हुआ है। तो अपने भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।